और चलिए अब रुख करते हैं 100 शेयर 100 खबर की ओर। आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, अमूल प्लांट का करेंगे शिलान्यास, बनारस काशी संकुल परियोजना की भी देंगे सौगात। पीएम मोदी वाराणसी को 2100 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कारों का करेंगे लोकार्पण। अखिलेश और जयंत की आज अलीगढ़ में रैली, समाजवादी पार्टी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मना रही है। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, कई नेताओं अधिकारियों के नाम आए सामने, विशेष सचिव राजस्व मामले की करेंगे जांच। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, घोषणा पत्र के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में हुआ मंथन। केंद्रीय राज्य मंत्री का राहुल गांधी पर प्रहार, राहुल के हिंदुत्व वाले बयान पर वार करते हुए नारायण स्वामी ने कहा राहुल गांधी हिंदू नहीं है। लखनऊ में कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश, खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से की थी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगे अहम बैठक, सुबह 11:30 बजे लखनऊ में मायावती करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवपाल यादव ने अखिलेश को गठबंधन का नेता मानते हुए सीएम पद को उम्मीदवार बताया, कहा सीटों को मतभेद लेकर कोई मतभेद नहीं, जिताऊ उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। सीएम योगी ने कहा पहले और अब की सरकार में फर्क साफ है, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब पुष्प वर्षा होती है। सीएम योगी ने कहा अब यूपी में नहीं होते दंगे, गुंडे और माफियाओं की जगह जेल में है। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार ने पूरे किए सपने, अब गरीबों तक पहुंच नहीं सुविधाएं। सीएम योगी ने सोनभद्र को 500 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, किया बड़ा ऐलान, कहा हर महीने मजदूरों को और श्रमिकों को देंगे 500 रुपए भत्ता। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में मुख्तार के होटल को किया खुद। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे के नाम से है संपत्ति। यूपी के गोंडा में ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश में अगर दम है तो जिन्ना के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। यूपी के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 25 सालों तक एसपी की वापसी संभव नहीं। यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश, गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है सरकार, 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने को पर बोनस देने को तैयार। लखनऊ में आयोजित अमृत महोत्सव में बोले सीएम योगी, कहा आजादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, वीर सपूतों के बलिदान से आजादी मिली। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, कहा आज का नया भारत दुश्मनों को हर तरह से जवाब देने में सक्षम है। यूपी के सियासी रण में अकेले उतरेगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम की गुरुवार को अयोध्या में जनसभा, दोपहर 12 बजे से जनसभा को करेंगे संबोधित। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, निषादों को आरक्षण के नाम पर बीजेपी कर रही ड्रामा। गृहमंत्री के संभावित जालौन दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी नारा अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम की अगुवाई में आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक, गृहमंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल, समीक्षा और आगे के कार्यक्रम पर चर्चा। 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, वीआईपी की सुरक्षा को देखते हुए महिला कमांडो की होगी तैनाती, जनवरी के पहले सप्ताह में होगी तैनाती। सीआरपीएफ की 32 महिला कमांडो को दी गई ट्रेनिंग, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका की भी सुरक्षा में होगी महिला कमांडो की तैनाती। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत के बागी तेवर, कहा आलाकमान ने बांधे मेरे हाथ पैर, संगठन नहीं दे रहा मेरा साथ। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने जाहिर किया अपना दुख, कहा मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मन में विचार आ रहा है अब बहुत हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर, हरीश रावत जनवरी में कर सकते हैं संन्यास का ऐलान, हरीश रावत ने आलाकमान से नाराजगी जाहिर की। हरीश रावत पर कैप्टन अमरिंदर ने कसा तंज, जैसी फसल बोते हैं वैसी काटनी पड़ती है। पार्टी सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक, संसद भवन में हर राज्य के सांसदों ने अलग अलग मीटिंग की, कहा मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, 12 सांसदों का निलंबन साजिश के तहत था, सरकार लखीमपुर हिंसा पर चर्चा नहीं चाहती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, सरकार मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही थी। कश्मीर में आतंकी हमले में वारदात को दिया गया अंजाम, श्रीनगर में एक व्यक्ति की हत्या, अनंतनाग में पुलिस वाला हुए शहीद। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी से किया समाज सुधार अभियान का आगाज, कहा हमने सबके हित को ध्यान में रखकर विकास किया, शराबबंदी लागू होने के बाद लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान पर कायम है जीतन राम मांझी, सफाई देते हुए कहा शराबी और गलत ढंग से पूजा कराने वालों को कहा, मांझी के बयान के बाद जारी है राजनीति। सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा अपने सिस्टम को और अधिकारियों को पहले सुधारे सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और आखिरी दिन, बीजेपी ने जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को जल्द ही आरक्षण देने की मांग की। सुपौल में पंचायत चुनाव में मुर्दों ने वोटिंग की, मुखिया प्रत्याशी ने जिला प्रशासन से चुनाव रद्द करके कानूनी कार्रवाई की बात कही। झारखंड में शराब बिक्री को लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही खिलाफ मोर्चा खोला, दूसरे राज्यों से शराब बेचने वाले मॉडल मांगने पर जताई नाराजगी, विपक्ष ने साधा निशाना। एमपी के जशपुर में कश्मीर जैसी ठंड, बढ़ती ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी, लाभ का लोग ले रहे सहारा। पटना समेत पूरे जिले में शीतलहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। धनबाद में शीतलहर से बचने के लिए शेल्टर होम में रह रहे मजदूर, रिक्शा ठेला चालकों के बीच प्रशासन ने बांटे कंबल। बोकारो में बढ़ती ठंड को देखते हुए विभिन्न चौराहों पर कंबल का किया गया वितरण। सीवान में ट्रक और बाइक में टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अरवल में शॉर्ट सर्किट से किसानों के खलिहान में लगी भीषण आग, 8 बीघा जमीन में लगी हुई फसल जलकर हुई खाक। एमपी के जशपुर में कश्मीर जैसी ठंड। कोडरमा में 3 महीने में 150 बिजली के पोल, चोरों ने किए चोरी, संवेदकों ने काम करने से किया इनकार, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने का किया दावा। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस टीम ने एक साथी गिरफ्तार किया, 2 भाइयों का झगड़ा सुलझाने आई थी पुलिस। उन्नाव में रेस्टोरेंट के अंदर मामूली कहासुनी में मारपीट, एक युवक की बेरहमी से पिटाई। लखनऊ में तमंचे को लेकर टशन दिखाने वाला युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था लहराते हुए तमंचे का वीडियो। मसौली के तारेगना स्टेशन परिसर में बाइक चलाते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई की। एमपी के शिवपुरी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी के टंकी पर चढ़ा युवक, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई, संतुष्ट नहीं था युवक। लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भागने में रहे कामयाब। जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, एक आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। देवघर में दोस्तों ने ही ली दोस्त की जान, हत्या के बाद शव को टुकड़े टुकड़े करके झाड़ी में फेंका, पुलिस की हिरासत में एक आरोपी। हाजीपुर में पंचायत के दौरान एक युवक की मारपीट कर हत्या कर दी गई, पातेपुर थाना क्षेत्र के डुबरी गांव का मामला। लातेहार में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली फरार। मसौड़ी के तारेगना स्टेशन परिसर में बाइक चुराते हुए चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मधुबनी के फुलपरास में पंजाब नेशनल बैंक के उचक्कों ने 4 लाख रुपए उड़ाए, गैस एजेंसी कर्मी ने 14 लाख रुपए जमा करवाने आया था, मौके पर पहुंचकर डीएसपी ने मामले की जांच शुरू करवाई। लखीसराय में एसआईटी की टीम ने सीएसपी संचालक रंजीत राज से हुई लूट का खुलासा किया है, 6 अपराधियों को 9 बाइक 15,000 नकद के साथ गिरफ्तार किया। पाकुड़ में मुखिया कौसर अली हत्याकांड मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 20 दिसंबर को दिया था हत्या को अंजाम। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर सीवान के महाराजगंज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने निकाली उनकी शव यात्रा। मधुबनी में दांत का इलाज कराने आई निजी क्लिनिक में महिला की हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। भागलपुर सुल्तानगंज अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों ने किया हंगामा, अस्पताल में आवारा पशुओं के घूमने से लोग परेशान। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 45 साल की युवक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पत्नी के साथ ससुराल जा रहे पति का दूसरे दिन गांव के बाहर रास्ते से मिला शव, पत्नी है फरार, परिजनों ने पत्नी पर साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का लगाया आरोप। हजारीबाग के कारगिल पेट्रोल पंप में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
लखीसराय में ट्रेन और बोलेरो में टक्कर, बोलेरो पर सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। रेलखंड के अप लाइन पर तकरीबन 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। शेखपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा, महिला की नाजुक हालत बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्सा लोगों ने किया हंगामा। सिवान में ट्रक और बाइक में टक्कर, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। कैमूर में विभिन्न थाना और उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े गए हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अफीम और गांजे की खेप को किया बरामद, 10 एकड़ में जमीन पर अफीम और गांजे की खेती को नष्ट भी करवाया। छपरा में सुअपुर के शहीद दारोगा संजय तिवारी की 7वीं पुण्यतिथि, थाना परिसर में लगी प्रतिमा पर कई लोगों ने किया माल्यार्पण। दुमका के संथाल परगना में 400 महिला एनसीसी के माध्यम से आर्चरी सेंटर में 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक प्रशिक्षण ले रही हैं। लातेहार आरपीएफ के मुख्य संरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ इंस्पेक्टर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्कूली बच्चों को रेलवे एक्ट को लेकर जागरूक करने के कार्य में लगे हुए हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज को दिए गए विवादित बयान के बाद धनबाद में ब्राह्मण समाज ने जीतन राम मांझी का पुतला फूंका। चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अभियान चलाकर अफीम तस्करों को आर्थिक चोट देने की मुहिम चलाई। पुलिस का कहना है कि अब इलाके से पूरी तरह से अफीम और गांजे की फसल को नष्ट सफाया किया जाएगा। रामगढ़ में एससीएन संतोष केबल नेटवर्क ने 25वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। मौके पर जी ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन राहुल कुमार के अलावा केबल ऑपरेटर शामिल हुए। मुंगेर में खाद की किल्लत से किसान परेशान, आपको बता दें लंबी लंबी कतार होने के बाद भी किसानों को नहीं मिलती है खाद। दुमका में संथाल परगना स्थापना दिवस को लेकर आदिवासी छात्रों ने दुमका के विभिन्न चौराहों पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संथाल परगना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। देवघर डीसी ने एमएसडब्ल्यूएम के पछियारी कोठिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। भागलपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने बताया कि डीलर खाद 375 रुपए में कालाबाजारी करते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। बोकारो में छात्रवृत्ति को लेकर हुई बैठक, उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी स्कूलों में कैंप लगाकर छात्रवृत्ति वितरण का दिया निर्देश। बक्सर में कैलाशपति मिश्र के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। नवादा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दम घुटने से 5 बीमार, 2 की हालत गंभीर, घर के अंदर अंगीठी जलाकर सो रहे थे सभी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मुखिया नीरज की हत्या से दुकानदारों में दहशत। दुकानदारों ने हफ्ते से बंद पड़ी दुकानों को नहीं खोला, पुलिस वालों पर गश्त नहीं करने का लगाया आरोप। साहिबगंज ने नगर पालिका कर्मी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। बांका में कई पंचायतों में हुए चुनाव में जीत आए प्रतिनिधियों को दी जाएगी शपथ। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा शपथ अभियान। सिवान में मजरुल हक साहब की 155वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मौलाना साहब को बताएं कि रास्तों को अनुसरण करने की आवश्यकता। छपरा में भी मजहरुल हक साहब की 155वीं जयंती पर समारोह का आयोजन, कोरोना के कारण समारोह सादगी के साथ मनाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का हल्ला बोल, 9 दिनों से पानी की टंकी पर बैठे किसान, भाद्र विधायक पर लगाए रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप। उत्तराखंड में शीतलहर का कहर, रुद्रप्रयाग में कड़ाके की ठंड से बढ़ी गलन, नगर पालिका पर लगा अलाव की व्यवस्था नहीं कराने का आरोप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बस स्टैंड पर बवाल, लाठी डंडों से मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले 4 दिनों में हो सकती है बारिश। राजस्थान के उदयपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे की हुई घटना, आग पर पाया गया काबू। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में जोरदार हंगामा, कांग्रेस ने कृषि कानूनों के समर्थन में पारित प्रस्ताव को वापस लेने की मांग। हरियाणा के डबवाली में पानीपत तक बनेगा एक्सप्रेस वे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा केंद्र ने 80 लाख रुपए तक का डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी। हिमाचल के चंबा में अपने पूरे परिवार के साथ रावी नदी में अटखेलियां करते देखे भालू, सैकड़ों लोगों ने नजारे को देखा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, नमस्कार।